ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत तावरू रोड स्थित आईटीसी गोल्फ क्लब में हुई। 3 दिवसीय इस योजना का शुभारंभ हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी ने किया। आपको बता दें कि प्रत्येक साल ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन होता है, जिसमें पुलिस के सीनियर अधिकारी भाग लेते हैं। इस बार भी आयोजन कहीं और होना था, लेकिन हरियाणा में स्वर्ण जयंती वर्ष होने की वजह से प्रदेश सरकार ने इन आयोजन को ऑपरेट किया है। 21वीं ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट में इंडिविजुअल और टीम दोनों तरह से मैच हो रहे हैं। 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, कई रिटायर्ड डीजीपी भी पहुंचे। आयोजन में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर क्रिकेट कपिल देव भी पहुंचे। कपिल देव ने गोल्फ स्टिक से शॉट लगाकर अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया। ये 21वां ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट है जो हरियाणा ने इस बार होस्ट करने के लिए ऑप्ट किया है, जिसमें 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स गोल्फ प्लेयर्स जो कि विभिन्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, गजेटेड ऑफिसर्स, उन्होंने पूरे देश भर से, पूरे भारतवर्ष से आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो दिवस का ये टूर्नामेंट है, कंपेरेटिव टूर्नामेंट है और हर साल होता है। इस साल हरियाणा ने इसको ऑप्ट किया आयोजन करने के लिए। आज इसका इस फंक्शन का जो आज का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, इसके चीफ गेस्ट चीफ सेक्रेटरी हरियाणा श्री डीएस देसी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कपिल देव, फेमस क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर।